वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट 2017-18 पेश करेंगे। ये बजट कई मायनों में खास होगा। इस बजट से रियल एस्टेट को बेहद उम्मीदें हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर के लोग इस आम बजट में क्या चाहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। रियल एस्टेट को बजट से उम्मीदें, रियल एस्टेट को मिले इंडस्ट्री का दर्जा, टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाए, रियल एस्टेट के लिए जीएसटी का रेट स्पष्ट हो। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि होम लोन में टैक्स डिडक्शन की लिमिट काफी कम है, खासकर मेट्रो सिटीज के बायर्स को इसका फायदा नहीं मिल पाता। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, ऑफिशियल इंडस्ट्री हम बोलते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बट गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये प्लांड वे में इसका दर्जा मिलेगा तो उससे क्या होगा, एक इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा कि अल्टीमेटली उसका जो बर्डन है, जो कॉस्ट पे पड़ता था, अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना होता था, तो वो बर्डन कम होगा तो लोगों को सस्ते घर मिल पाएंगे। तो पहली डिमांड हमारी ये है। दूसरा, होम लोन्स में भी अभी और मार्जिन की गुंजाइश है, जो मुझे लगता है 1-1.5% अभी और रेट कम किए जा सकते हैं। अभी काफ़ी बैंकों ने कम किए हैं, लेकिन फर्दर उसमें और गुंजाइश है। तीसरे, एक डिमांड हम समझते हैं कि अभी तक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपये की ही डिडक्शन मिलती है। NCR को अगर बात करें, NCR या बड़े शहरों में या मेट्रोज की बात करें, तो वहाँ पे 2 लाख रुपये की डिडक्शन बहुत मीगर नज़र आती है, कम नज़र आती है, उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पिछले बजट में फर्स्ट टाइम होम बायर को दी गई छूट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की लिमिट 1,50,000 रुपए से बढ़ाई जाती है, तो बायर्स के लिए घर का सपना और आसान हो सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा टैक्स लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए तो बायर्स के लिए घर का सपना हकीकत में बदलता नजर आएगा। स्टैम्प ड्यूटी कम हो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम हो, और होम लोन्स में, और सबसे बढ़िया इम्पॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती है तो इस सेक्टर को उनको एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह चीपर रेट्स पर अवेलेबल हो इस सेक्टर को, और ये सेक्टर फले फूले। 3 चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर हम बात करें, उनका क्लैरिफिकेशन हो जाए कि रेट क्या रहेगा, कि फ्लैट्स के लिए, घरों के लिए, प्रॉपर्टी के ऊपर जो GST का रेट है वो क्या रहेगा, अबेटमेंट की क्या स्थिति रहेगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और GST बिल जल्दी से पास हो जाए, हम इस चीज की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हाउसिंग फॉर ऑल 2022 के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें बजट पर गढ़ गई है। देखना ये है कि वित्त मंत्री के बजट से इस सेक्टर को क्या रियायत मिलती है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 1 मई 2016 से रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू हो चुका है। तभी से नोएडा अथॉरिटी में बिल्डर प्रोजेक्ट पर रेरा के प्रावधान लागू हो चुके हैं। अब जैसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर पूरा होगा, इसके साथ ही बिल्डर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। लेकिन रियल एस्टेट एक्ट की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें एक्ट की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकती। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि ज्यादातर राज्यों ने केंद्र के रियल एस्टेट एक्ट के रूल्स में फेरबदल कर दिया है। इन रूल्स में बिल्डर्स को राहत दे दी गई है, जिसके चलते होम बायर्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है। रियल एस्टेट बिल के नियम कड़े, राज्य रेरा के नियमों को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए, रेरा को संसद ने किया पास, राज्य सरकारें बिल में बदलाव नहीं कर सकती, वेंकैया नायडू। राज्य सरकारें रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में बदलाव नहीं कर सकती है। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर कहा कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया है, इसलिए राज्य सरकारें एक्ट की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया वो एक डायरेक्शन हो गया, उसी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना बिल बना रही हैं, या जिन्होंने नहीं बनाया वो फर्दर उसको कंप्लेंगे। और उन सभी को ध्यान में रखना होगा कि जो उस बिल की भावना थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया था उसको तो ध्यान में जरूर रखा जाए, लेकिन वहाँ का जो लोकल पर्सपेक्टिव है, वहाँ का जो कंज्यूमर है, या वहाँ का जो डेवलपर है, या वहाँ की जो और अथॉरिटीज हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए लोकल नियम बनाए जाएंगे और जो सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। हाँ, जो इन्होंने मंत्री जी ने जो कहा है, केंद्रीय मंत्री ने, वो एक तरीके से अर्ली वार्निंग है कि उसको ध्यान में रखा जाए, उस भावना से छेड़छाड़ न की जाए।